अखाड़ा प्रारंभ से ही अनेकानेक कर्मवीरों की जन्मस्थली रही है, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या महिला के। इन महान आत्माओं ने जन्म लेकर अपने सत्कार्यों द्वारा उच्च आदर्श स्थापित किया है। इन्हीं में से एक ने उत्तम श्राविका पद प्राप्त कर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण किया। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय श्रीमती सुषमा जैन की। उनके देवलोक गमन से पारिवारिक जन के साथ साथ जैन समाज की भी आँखें नम हो गयी। पूरे देश भर से अनेक लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। विगत 25 फरवरी को दिल्ली में उनके लिए विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें उनके परिवारजन के साथ अनेक लोग शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से सुषमा जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपके संग पूज्य गुरुओं की आराधना की और उनका सुमिरन करते करते शुभ्य सम्यक चित्त से स्फुरित हो, सम्यक चिंतन, सम्यक ज्ञान और दर्शन के सुमिरन से स्फुरित हो, अपने शरीर को त्यागा, इस संसार को निर्द्वंद भाव से त्यागा और प्रस्थान किया परम पूज्य गुरुदेव के साथ ही 105 श्रुतिमती माता जी एवं 105 सुज्ञानीमती माता जी जो सिद्धांत क्षेत्र में विराजमान हैं, उन्होंने भी अपने आशीर्वचन से संबल बंधाया है। सुख में भी दुख में भी नवकार का चिंतन ही हमें संबल देता है, तो दुख के इस अनभ्र वज्रपात के समय हम अब प्रारंभ करते हैं माता जी का स्मरण नवकार के स्मरण से। अरहन तो भगवंत इंद्र महिता सीताश सीधीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रयाराधका पञ्चेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैछायाणं नमो लोवे सव्वे साहुणं नमो लोवे सव्वे साहुणं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैछायाणं नमो लोवे सव्वे साहुणं नमो लोवे सव्वे साहुणं। पावपनासिनो मंगलनंचे सवेसिम
परम हवै मंगलम परम हवै मंगलम परम हवै मंगलम। इस अनभ्र वज्रपात के समय हमें संबल दिया है परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज ने। उनके आशीर्वचन हमें संबल देते हैं और उनके आशीर्वचन की एक रिकॉर्डेड प्रस्तुति आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हेमंत जी की मातेश्वरी है, उनका आकस्मिक निधनी कहिए हो गया है और सुषमा जी के जाने से भाई हेमंत जी का हृदय बहुत ही दुखित है, पीड़ित है और वो अपने आप को संभालने में कमजोर महसूस कर रहे हैं। भाई हेमंत जी को मैं चाहता हूँ कि वो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, आईएएस हैं, अपने हृदय को मजबूत रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। सुषमा जी आपकी माँ बहुत ही धर्मात्मा थी, धार्मिक एजुकेशन लिया है, लौकिक एजुकेशन लिया है, तो उनके संस्कार आप में पड़े हुए हैं, लेकिन मोह बस आप माँ के लिए बार बार दुख महसूस कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आप अपनी काबिलियत के अनुसार दुख को भूल करके कर्तव्य पथ पर चले। सुषमा जी, हेमंत और एक बेटी सीमा जी को छोड़कर गई हुई है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने धैर्य को बढ़ाएं, अपने साहस को बढ़ाएं। जो कर्तव्य पथ पर चलता है वह व्यक्ति कर्मशील होता हुआ कर्मयुग में जीने वाला होता है। सुषमा जी ने सारी जिंदगी धार्मिक भावों के साथ निकाली। आपके पिताजी भी बहुत धार्मिक थे और देखो हाँ, संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है गुड़मंडी राणा प्रताप बाग दिल्ली में, उसमें आपकी माँ का बहुत भाव था कि मुख्य मूल नायक बेदी का निर्माण उनकी ओर से हो, वो भी होने वाला है, बेदी का निर्माण भी हो उनकी ओर से। ऐसी उनकी धार्मिक भावनाएं थी जो अब उनके जाने के बाद पूर्ण होने वाली हैं। वो स्वर्ग में बैठ करके इन पार्श्वनाथ भगवान को देखेंगी जो उनकी ओर से स्थापित होने वाले हैं। बेदी अद्भुत बनेगी यहाँ पर राणा प्रताप मंदिर में। भाई हेमंत जी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि माँ के भावों को आप पूर्ण करने के लिए अपने कर्तव्य का अमल करेंगे और उनकी भावनाओं को पूर्ण करेंगे, अपने साहस को बढ़ाएंगे और अपने जीजा जी रमेंद्र जी और सीमा जी का भी ख्याल रखते हुए अपने विशुद्ध परिणामों का ध्यान रखेंगे। सच्चे देवगुरु शास्त्र में श्रेय विश्वास रखते रहें और माँ की तरह अपने पवित्र आचरण को करते हुए मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करते रहें। सरकारी सेवाओं के साथ साथ मेरा आपके पूरे परिवार को पूरा आशीर्वाद है, आप सब धर्म मार्ग पर लगे रहें और अपने कर्तव्य को करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें संबल दिया। पूज्य मातेश्वरी का जीवन विराट था, शब्दों की परिधि में बांधना एक मुश्किल सा काम है, लेकिन मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से प्रयत्न करता हूं आप सभी के समक्ष उनके विराट व्यक्तित्व के कुछ उज्जवल पक्षों को रखने का। श्रद्धास्पदा मातेश्वरी अरिहंत
प्रभु के उपासना के केंद्र में थी। अरिहंत प्रभु ने संपूर्ण धर्म का अनुपम फल भवहरण अर्थात मोक्ष को बताया है। यदि जीवन मंदिर है तो उसके उच्च शिखर व्रत हैं और सबसे ऊपर का स्वर्ण कलश उत्तम मरण है। जो भव्य आत्मा होती है उसका तो मरण भी महामहोत्सव बन जाता है। श्रद्धेया माता जी ने शरीर से मोह का त्याग कर राग और द्वेष का परित्याग कर विश्वास श्रद्धा और तपस्या की समन्वित युति से इस संसार से प्रस्थान किया है पूर्ण अनासक्त भावों के संग। राय बहादुर परिवार से ताल्लुक रखने वाली स्मृति शेष सुषमा जी की परनानी भारत में नारी शिक्षा की अग्रदूत मां श्री चंदाबाई जी की पहली शिष्या थी, जिनके चरणों में एवं भारत की प्रज्ञान समिधा के मूर्धन्य हस्ताक्षर पंडित के भुजबली शास्त्री, पंडित जगन्नाथ तिवारी, पंडित नेमीचंद्र शास्त्री के चरणों में बैठकर उन्होंने ज्ञान आराधन का सिर्फ अथ नहीं किया अपितु स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यह उनकी ही जुगत थी, युक्ति थी कि जैन बाला विश्राम आरा के परिसर में ब्रिटिश सेना कोई भी अहित नहीं कर सकी। माता जी ने लखनऊ से अपनी लौकिक शिक्षा का अर्थ किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अपनी परनानी मां श्री ब्रह्मचारिणी चंदाबाई जी के दिए गए संस्कारों और ज्ञान को अंगीकृत कर उन्होंने जैन दर्शन का पारायण किया। जैन पुराणों एवं दार्शनिक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और देह में रहकर विदेह की साधना का अभ्यास किया। वे अपनी चर्या की शुद्धता के प्रति बहुत सचेत थी और एक उत्तम श्राविका के रूप में आपने अपना जीवन जिया। साधुओं एवं साध्वियों को आहार दान, पक्षियों एवं जंतुओं को अभयदान, रोगियों की परिचर्या के लिए औषधि दान एवं ज्ञान के संप्रसार के लिए शास्त्र दान देने में वे सदैव तत्पर रहे। वे स्वाध्याय मना थी एवं शास्त्र ज्ञान को जीवन में अंगीकृत करने में वे सदैव तत्पर रहती थी। कषायों को प्रतिक्षण क्षीण करने की साधना में प्रवृत्त रहती थी और गृहस्थ के रूप में रहकर एक साध्वी के शुद्ध जीवन को जीने के अभ्यास में वे सतत संलग्न रही। आपकी बड़ी बेटी सुश्री सीमा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विदुषी अधिवक्ता हैं एवं आपके पतिदेव माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेंद्र जी जैन हैं। आपके छोटे बेटे श्री हेमंत जी जैन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत एक वरिष्ठ नौकर शाह ही नहीं एक सुलझे हुए रणनीतिकार, परामर्शक एवं सामाजिक समस्याओं के सकारात्मक समाधान की खोज में संलग्न एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। वे अभियंत्रणा विशारद तो हैं ही, अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन विज्ञान में भी वे निष्णात हैं। परम पूज्य गुरुदेव 108 गुप्त सागर जी महाराज की कृपा से उनमें तथा परिवार के सभी सदस्यों में सम्यक्त्व के चिंतन के प्रति प्रतिबद्धता स्फूर्त हुई है एवं ज्ञान के साथ आचार की शुद्धि के प्रति पूरा परिवार प्रतिपल चैतन्य रहता है। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती मोनिका जैन एक सुप्रतिष्ठित व्यावसायिक घराने की पुत्री हैं एवं वाणिज्य की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं तथा समाज सेवा में सतत संलग्न रहती हैं। परम पूज्या माता जी श्रीमती सुषमा जी का विशाल परिवार है। उनके पोते पोतियां,
श्री ईशान जैन, सुश्री उदिता जैन, श्री सम्यक जैन और सुश्री वंशिका जैन जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निष्ठा की परंपरा के संवाहक हैं। परम पूज्या माता जी के स्तिरोधान के दारुण प्रसंग पर हम सभी को अव्यक्त पीड़ा है। पीड़ा का हरण भक्ति के अलावा दूसरा कोई अवलंबन नहीं है, तो हम भक्ति के माध्यम से भगवान का सुमिरन करते हुए माता जी के तिरोधान के दुख को कम करने का प्रयत्न करते हैं। मैं आदर पूर्वक निवेदन करता हूं बहन बबीता जी से कि वे भजनों की प्रस्तुति कर वैराग्य की पथ पर हमें प्रवृत्त करें। कृष्णावश धनवान, दाम बिना निर्धन दुखी। कृष्णावश धनवान, आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूँ इस जीव का साथी सदा न हो। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोय। दिपे जाम चादर मंडी, हाड़ पींज रादे, भीतर या सम जगत में और नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम रखो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की तो ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। हाँ सरल सरल, सदा सरल सरल, तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तो तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है।
कर्म से पवित्र है। वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पूजा है तुमको पूजेंगी हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए, हम तेरा दिया खाए तेरा ही गुण गाए। मैं जहाँ भी जाऊँ माँ मेरे साथ हो, है दुआ हमेशा सिर पर तेरा हाथ हो। पूजा है तुमको पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर तू जाएगा।
राम यही भावना भाई, सदगति उन्हें मिल जाए। माँ की राहों पर चल कर सतपथ हम भी अपनाए, हम यही भावना भाई, है मोक्ष इन्हें मिल जाए। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। संदेश प्रेषित किए हैं, उन्होंने इंगित किया है कि मातेश्वरी ने प्रतिबद्ध विचार, असीमित संतोष, अगाध वात्सल्य, अपरिमित धैर्य के साथ अपनी अंतिम यात्रा के पथ पर प्रस्थान किया। बाह्य परिग्रहों का त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए विशुद्ध भावों के संग सम्यक चिंतन से स्फुरित हो कषायों को कृश कर शरीर से अपना मोह छोड़कर स्वयं को आत्मस्थ करने के वीतराग विज्ञान की सफल साधना की। मैं कतिपय संदेश जो प्राप्त हुए हैं उनका वाचन करता हूं। सर्वप्रथम माननीय श्री संतोष कुमार जी गंगवार, माननीय सांसद एवं पूर्व मंत्री भारत सरकार ने, जो बरेली के सांसद हैं, उन्होंने अपना संदेश प्रेषित किया है। माननीय श्री सत्यपाल जी जैन, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एक्स मेंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत विकास परिषद के माननीय राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री सुरेश जी जैन, प्रीत विहार समाज के संरक्षक श्री सुनील जी एवं अध्यक्ष श्री दीपक जी जैन, श्री गुप्त सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष श्री पवन जी जैन, जनरल सेक्रेटरी श्री दीपक जी जैन एवं ट्रेजरर श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, जैन सभा डीएलएफ सिटी गुरुग्राम से अशोक जैन जी महासचिव, श्री 108 गुप्त सागर धाम जैन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री यूसी जैन जी, ज्वाला ग्रुप के शांता कुमार जैन जी, राकेश कुमार जैन जी, आचार्य बाहुबली आध्यात्मिक अनुसंधान ट्रस्ट सिद्धांत तीर्थ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जैन जी, सचिव श्री रमेश कुमार जैन जी, श्री दिगंबर जैन मंदिर सभा रोहिणी के सभी कार्यकारिणी सदस्य, महावीर निर्वाण समिति बरेली के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी, महावीर निर्वाण समिति बरेली के अन्य पदाधिकारीगण, महासचिव जी, संकटहरण भगवान श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री पवन गोधा जी, यूनिवर्सल प्रोजेक्ट्स के श्री दीपेन मेहता जी, उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जैन जी, पार्श्वनाथ 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जलालाबाद शामली के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुमार जी, श्री सुभाष चंद जी महामंत्री एवं श्री अहिक्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र के सौरभ जैन जी, आप सभी के शोक संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। मां के चरणों में श्रद्धा सुमिरन अर्पित करने के साथ साथ समाधि भावना का गुंजन करने के लिए बहन बबीता जी से विनय पूर्वक निवेदन। मेरी स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, दिन रात मेरी स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न
वांछा परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, मैं राग को हटाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले, निर्विकल्प हो समाधि मैं स्वर्ग मोक्ष जाऊं, मैं मोक्ष सुख को पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। श्रीमती सुषमा जैन बहुत ही मृदुभाषी एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार वाले व्यक्तित्व थी। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदा अग्रणी रहती थी। सदा मुनि संघों के दर्शनों के लिए कहीं भी जाने का अवसर नहीं छोड़ती। वे कुशाग्र बुद्धि की व्यक्तित्व होने के साथ साथ धर्म मार्ग प्रेरणा प्रदायक, संगठन प्रिय, देव शास्त्र गुरु पर अगाढ़ श्रद्धा रखने वाली आगम निष्ठ और अत्यंत सरल स्वभावी थी। राय बहादुर परिवार से ताल्लुक रखने वाली श्रीमती सुषमा जैन ने सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं किया। मुख्य रूप से महावीर के सभी सिद्धांतों का पालन किया। माध्यमिक शिक्षा लखनऊ से प्राप्त की और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से स्नातकोत्तर उपाधि ली। इसके अलावा आरा विहार से जैन शिक्षा और जैन जीवन शैली की धार्मिक शिक्षा भी ली। सुषमा जी ने अपने परिवार के लिए सदा अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया और उनका पालन पोषण प्रेम पूर्वक किया। सुषमा जी के दो बच्चे हैं, जिसमें बड़ी बेटी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विद्वान अधिवक्ता हैं। छोटे बेटे हेमंत जैन देश और समाज की सेवा करने वाले एक IAS अधिकारी। समस्त परिवार नाती पोतों की खुशियों से भरा है। सुषमा जी के पास 1947 की यादें आज भी मौजूद थी। कैसे आरा बिहार में उनकी दादी ने अंग्रेजों को महिला कॉलेज परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। अपनी दादी और माँ की तरह उन्होंने हमेशा पूरे परिवार को नियमित और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समस्त कुटुंब के लिए आपके स्थान की क्षतिपूर्ति कर पाना असंभव है। आपका पार्थिव शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी। समस्त कुटुंब की ओर से शत शत नमन।